हेलो गाइस, कैसे हो? मैं एसके शर्मा। बेटा आज मैं आपको बताऊंगा रेवोल्यूशन अकाउंट कैसे तैयार किए जाते हैं, रेवोल्यूशन अकाउंट बनते कैसे। पिछले वीडियो में बेटा हमने बताया था कि रेवोल्यूशन अकाउंट का जर्नल एंट्री क्या है, कंसेप्ट क्या है, उसके फॉर्मेट क्या है। जो बच्चे इस वीडियो पे पहली बार है बेटा, वो आप वीडियो जरूर देखो, इससे क्या होगा आपको और ज्यादा से ज्यादा समझ में आने वाला है, ठीक है। तो बेटा आज हम लोग बात करेंगे कि रेवोल्यूशन अकाउंट्स को बनाने के शॉर्ट ट्रिक्स क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक वे कौन कौन से शॉर्ट ट्रिक है जिसके कारण आपकी कोई भी बुक्स हो, चाहे वो तुलसियान हो, चाहे टीएस अग्रवाल हो, चाहे डीके गोयल हो, एनी बडी कोई भी अकाउंट्स के बुक्स हो 12 क्लास का, तो आपका उससे रेवोल्यूशन अकाउंट्स बन जाएगा। और आज का वीडियो बहुत ही खास इसलिए होने जा रहा है कि पूरी पार्टनरशिप में अगर एडमिशन की हम बात करते हैं, रिटायरमेंट और डेथ की बात करते हैं, डिसोल्यूशन में तो रेवोल्यूशन अकाउंट नहीं है, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट्स बनते हैं। तो अगर एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी आपको रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाना है, तो यहां पर रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाए कैसे जाते हैं ये सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको डेट मींस कहीं भी गलती होने वाला नहीं है। तो बेटा याद रखना, अगर हम रेवोल्यूशन अकाउंट्स बना रहे हैं, रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि हमें जानते हैं या आप लोग भी जानते होंगे कि सबसे पहले रेवोल्यूशन अकाउंट्स के लिए वो एसेट और लायबिलिटीज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रेवोल्यूशन अकाउंट जो होता है वो एसेट और लायबिलिटीज से ही रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाए जाते हैं, समझे कि नहीं? ये तो पता है, लेकिन क्या ये एसेट और लायबिलिटीज होना कहां चाहिए, यही तो बच्चे कंसेप्ट समझ नहीं पाते हैं कि वो एसेट और लायबिलिटीज होना कहां चाहिए जिसके कारण वो रेवोल्यूशन अकाउंट से मिस्टेक करते हैं। ये मिस्टेक ना हो इसके लिए मैं आपको पूरा डिटेल बता दूं कि अगर आप रेवोल्यूशन अकाउंट्स बना रहे हैं तो सबसे पहले रिकॉग्नाइज करो कि वो एसेट और लायबिलिटीज है कहां पर। तो बेटा याद रखना कि कहां पर कौन सा एसेट और लायबिलिटीज दिया हो तो हमें उसे रेवोल्यूशन अकाउंट्स में डालना है। ये चीज पहले समझ लो कि रेवोल्यूशन अकाउंट्स में किस एसेट्स को लेंगे, किस लायबिलिटीज को लेंगे, ये चीज आपको याद रखना चाहिए बेटा। तो उसके लिए आपको ट्रिक क्या है आप समझे, तो देखिए याद रखिए, अगर कोई भी एसेट और लायबिलिटीज, पहला ट्रिक आपको याद रखना है कि अगर आप रेवोल्यूशन अकाउंट्स बना रहे हैं तो वही एसेट और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट रेवोल्यूशन अकाउंट्स में किया जाता है, मतलब रेवोल्यूशन अकाउंट्स में डालेंगे जो एसेट और लायबिलिटी एडजस्टमेंट में दिया हो, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हो। पहला पॉइंट आपको याद रखना बेटा कि अगर आप रेवोल्यूशन अकाउंट्स बना रहे हैं तो उसी एसेट और उसी लायबिलिटीज को हम रेवोल्यूशन अकाउंट्स में ले जाएंगे, या उसी एसेट और लायबिलिटीज का डेट मींस रेवोल्यूशन अकाउंट में ट्रीटमेंट होगा जो एसेट और लायबिलिटीज आपका एडजस्टमेंट में दिया हो। अगर मान लीजिए कि आपका एडजस्टमेंट में आपको एसेट और लायबिलिटीज दिया है तो बेटा रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाएंगे, याद रखना रेवोल्यूशन अकाउंट वहां पर तैयार होगा। लेकिन आपको एडजस्टमेंट में कोई एसेट और लायबिलिटीज नहीं दिया है और केवल आपको बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज दिया हुआ है तो बेटा याद रखना वहां पर रेवोल्यूशन अकाउंट्स नहीं बनेगा कि किसी भी एसेट और लायबिलिटीज का रिवाइज वैल्यू दिया ही हुआ नहीं है, ठीक है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? तो हम लोग को याद रखना है कि रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाने के लिए हमें किस एसेट और लायबिलिटीज का जरूरत है, तो वो एडजस्टमेंट के एसेट और लायबिलिटीज का जरूरत है, ठीक है। अगर आपका बैलेंस शीट में नहीं भी दिया उसे कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्टमेंट में तो एसेट और लायबिलिटीज दिया है ना, उस एसेट और लायबिलिटीज को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट में। इज इट क्लियर ना? ये पॉइंट तो आपको बेसिक पॉइंट याद रखना होगा, तभी जाके आपको रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनेंगे, ठीक है। तो जब जब आप बेसिक पॉइंट्स को याद कर लिए कि रेवोल्यूशन अकाउंट्स को बनाने के लिए बेसिक पॉइंट है कि एसेट और लायबिलिटीज का एडजस्टमेंट में होना है, तो अब इस एडजस्टमेंट और एसेट और लायबिलिटीज का डेट मींस ट्रीटमेंट भी देख ले थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक में। तो बेटा याद रखना ये ट्रिक है, एक ट्रिक पहला देख रहे हैं, इसको याद रखना है। तो पहला ट्रिक आपको याद रखना है कि अगर एसेट्स बेटा इंक्रीज करेगा, कंपेयर अब करने बताएंगे कैसे कंपेयर, अगर मान लो कि एसेट इंक्रीज करेगा तो ये कंपनी के लिए दैट मींस फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, और हम नॉमिनल अकाउंट्स के रूल के अनुसार जानते हैं कि जो भी प्रॉफिट होता है उसे क्रेडिट साइड में लिखा जाता है और जो भी लॉस होता है उसे डेबिट साइड में लिखा जाता है, तो वहां पर उस रूल को अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग हम लोग करेंगे। तो अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो उसे प्रॉफिट्स मानेंगे, और प्रॉफिट्स होगा तो बेटा याद रखना इसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा, और क्या लगा के बेटा बाई लगा के डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग। अगर कोई पूछता है कि नहीं सर इसको जर्नल एंट्री से थोड़ा बताइए, अच्छा बताइए बेटा अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, हमें क्या है पता, देखिए डेबिट, तो अगर एसेट इंक्रीज कर रहा है तो इसका रेवोल्यूशन का जर्नल एंट्री क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। अब रेवोल्यूशन अकाउंट खोलो तो बाई एसेट गया कि नहीं बाई लगाकर,
तो उतना आप उतना डेट मीन्स लंबा प्रोसेस में क्यों जाएंगे, हम इतना याद रख लो, याद करो, लिखने की जरूरत नहीं है कि अगर एसेट इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट होगा और उसको रेवोल्यूशन अकाउंट का क्रेडिट साइड में डालेंगे। ये रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाने का एक ट्रिक है, ठीक है। उसी तरह से बेटा अगर हम लोग एसेट अगर डिक्रीज कर रहा है, सपोज करो डिक्रीज कर रहा है, जाहिर सी बात है ये लॉस होगा, होगा कि नहीं, लॉस होगा। और लॉस को डेट मीन्स हम लोग किस साइड में दिखाएंगे, डेबिट साइड में दिखाएंगे और टू लगा के, टू बिल्डिंग था 40,000 हो गया 30,000, तो 10,000 का लॉस हो गया, तो टू बिल्डिंग करके दिखा देंगे 10,000 रुपया, आगे करेंगे हम लोग। तो ये एसेट्स का ट्रिक हुआ। उसी तरह से बेटा ये लायबिलिटीज का भी ट्रिक याद कर लो, अगर लायबिलिटी इंक्रीज कर रहा है तो ये डेट मींस लॉस होगा, होगा कि नहीं होगा। हमने राम से लिया 10,000 रुपया, फिर श्याम से भी ले लिया 10,000 रुपया, बैंक से भी ले लिया 10,000 रुपया, तो अब लायबिलिटीज मेरे कितने हो गए, 3 हो गए, 1, 2, 3, अब 3 लायबिलिटीज हो गए। तो भैया आप तीनों को पैसा तो वापस करना है ना फ्यूचर में, तो इस तरह से कंपनी के लिए मान लो एक कंसिडर कर लो कि एक लॉस हो गया और लॉस को हम लोग को डेट मीन्स इसमें डेबिट में डालना है, और डेबिट में क्या लगा के डालना है बेटा, क्यू लगा के। यहां पर बच्चे गलती करते हैं, लायबिलिटीज लॉस है इसलिए डेबिट में जाएगा, याद रखना इंक्रीज करता है। तो यहां पर लायबिलिटीज अगर डिक्रीज करेगा, अभी हमने क्या बोला कि हमने तीन लोगों से पैसा लिया 1, 2, 3 है ना, इससे 10,000, इससे 10,000, इससे 10,000 मान लीजिए, है ना, 10,000 लिए। अब ये वाला बोलता है, फर्स्ट पार्टी राम बोलता है कि तुम यार मेरे को पैसा मत दो, तो पहले लायबिलिटीज थी 3 और अब पहला वाला बोल रहा है कि अब मैं आपसे पैसा नहीं लूंगा, तो अब मेरी लायबिलिटीज हो गई 2। तीन लोगों से हमने पैसा लिया था, बैंक से लिया था, राम से लिया था, श्याम से लिया था, जिससे भी लिया था, तीन लोगों से हमने पैसा लिया, तो एक पार्टी बोलता है कि भैया आप पैसा मत दो, आप देने की आपको जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब मेरा लायबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो मेरे को 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट्स हो गया। अरे आप भी अगर पैसा लेते हो, सपोज कर लो किसी से आप पैसा ले रहे हो बेटा, आप मान लो अपने फ्रेंड से ले रहे हो, राम से ले रहे हो, मान लो 20 रुपया लिए, आप श्याम फ्रेंड से ले लिए डेट मीन्स 30 रुपीज, तो राम बोलता है छोड़ यार नहीं लेंगे पैसा, तो पहले तो लायबिलिटीज 2 था लेकिन राम ने छोड़ दिया, तो आपका लायबिलिटीज आपका 1 बन गया। तो यहां पर उसी तरह से है कि जब लायबिलिटी डिक्रीज होगा तो ये आपके लिए प्रॉफिट्स हो जाता है, और प्रॉफिट्स हो जाता है तो इसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और क्या लगाकर, बाय लगा के। ये ट्रिक है कि लायबिलिटीज अगर डिक्रीज करेगा तो प्रॉफिट्स और इंक्रीज करेगा तो लॉस, ठीक है। उसी तरह से बेटा एक और होता है अनरिकॉर्डेड एसेट्स, जो आपको हमने पिछले वीडियो में बतलाया था, एक बार और बतला दे कि अनरिकॉर्डेड एसेट होता क्या है। बेटा याद रखना, जो एसेट एडजस्टमेंट में है, याद कर लो, जो एसेट आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, एडजस्टमेंट में है, लेकिन वो एसेट आपका बैलेंस शीट में नहीं है, ना लायबिलिटीज में, सॉरी बैलेंस शीट में, एसेट साइड में नहीं है, तो समझ जाना कि वो अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। उसी तरह से लायबिलिटीज की बात हो रही है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, एडजस्टमेंट में है, और वो लायबिलिटी साइड में नहीं है बैलेंस शीट के, ओल्ड बैलेंस शीट में, तो समझ जाना वो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज है। तो जो रिकॉर्ड नहीं है बुक्स में, वो अनरिकॉर्डेड एसेट या लायबिलिटीज होते हैं। तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो ऑलवेज इंक्रीज होता है, तो ये भी डेट मींस क्या हो जाएगा बेटा, ये भी प्रॉफिट्स हो जाएगा, और किसको किस साइड में दिखाना है, क्रेडिट साइड में, और क्या लगाकर, बाय लगाकर, ठीक है। उसी तरह से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज बताओ तो बेटा क्या होगा, यह भी इंक्रीज करता है। जो रिकॉर्ड नहीं है, मान लीजिए सपोज कर लीजिए कि कोई हमें इंश्योरेंस क्लेम कर दिया, हमें नहीं देना था लेकिन किसी ने क्लेम कर दिया, सपोज कर लीजिए क्लेम दे दिया, तो अब मुझे वो लायबिलिटीज देना है, तो लायबिलिटीज बढ़ रहा है तो मेरा पैसा तो जाएगा, इस तरह से लॉस हुआ, तो इसको लॉस को कहां डालेंगे बेटा, डेबिट साइड में और टू लगा के करेंगे। तो इस प्रकार से बेटा देखो एसेट और लायबिलिटीज का ट्रिक था। अभी हमने क्या बताया कि एसेट और लायबिलिटीज, किस एसेट और लायबिलिटीज का रिवोल्यूशन अकाउंट्स बनता है, तो हमने बोला कि एडजस्टमेंट में जो एसेट और लायबिलिटीज देगा, उसी एसेट और लायबिलिटीज को डेट मींस रिवोल्यूशन अकाउंट्स में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। अगर आपका एडजस्टमेंट में एसेट और लायबिलिटीज नहीं दिया है और केवल आपका बैलेंस शीट्स में दिया है, एडजस्टमेंट में कोई एसेट लायबिलिटीज नहीं है, तो रिवोल्यूशन अकाउंट्स बनेगा ही नहीं, ठीक है। हमने बता दिया कि कैसे बनेगा और कैसे नहीं बनेगा, तो इसको रिकॉर्ड करें बेटा। चलिए, तो एसेट और लायबिलिटीज का ट्रिक भी हमने समझ गए, अब ट्रिक नंबर 2 में आते हैं, ठीक है, फिर हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, ध्यान से रखना है। ट्रिक नंबर 2 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है बेटा, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है जो आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। देखिए ट्रिक नंबर 2, तो बेटा याद रखना कि रिवोल्यूशन अकाउंट्स बनाने के लिए रामबाण है,
अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपका रिवोल्यूशन अकाउंट कभी गलती नहीं होगा। तो पहला याद रखना, अगर अमाउंट के आगे बेटा टू लगा हो, अमाउंट के आगे अप टू लगा हो, अमाउंट के आगे, हाँ, अमाउंट के आगे एट लगा हो, अमाउंट के आगे वैल्यूड लगा हो, याद रखना बेटा। और क्या हो सकता है, टू हो गया, अप टू हो गया, एट हो गया, अमाउंट के आगे रीवैल्यूड लगा हो, ठीक है, ऐसे अगर लग गया है तो बेटा याद रखना कि अमाउंट के आगे टू लगा हो, अप टू लगा हो, एट लगा हो, वैल्यूड लगा हो या रीवैल्यूड लगा हो, ये अमाउंट हम बोल रहे हैं। हो सके अमाउंट के अमाउंट हो या कोई परसेंटेज हो सके अमाउंट हो या कोई परसेंटेज हो, है ना, परसेंटेज में भी वही कंसेप्ट होगा, डैट मीन्स परसेंटेज, है ना, समझ गए नहीं बात को, मतलब अमाउंट या परसेंटेज के आगे टू लगा हो, अमाउंट या परसेंटेज के आगे अप टू लगा हो, अमाउंट या परसेंटेज के आगे एट लगा हो, या अमाउंट ऑफ परसेंटेज के आगे डैट मीन्स वैल्यूड लगा हो, या अमाउंट ऑफ परसेंटेज के आगे रिवैल्यूड लगा हो, तो बेटा याद रखना इसको कंपेयर करना है, कि क्या करना है, कंपेयर विथ बैलेंस शीट्स, आपको कंपेयर करना है बैलेंस शीट से और तब जाकर रिजल्ट निकालना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है, नहीं समझे। अब इस पे बेटा एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज कर लो बेटा ये बैलेंस शीट है, ठीक है, ये सपोज कर लो, और यहां पर बेटा एक बिल्डिंग है ₹10,000, ठीक, और एडजस्टमेंट में लिख दिया है, सपोज कर लीजिए कि बिल्डिंग, हम एक तरीका से बता रहे, बिल्डिंग एट ₹12,000। अब बताओ बेटा अमाउंट के आगे क्या लगा है, एट लगा है, तो हम क्या बोला, अमाउंट के आगे टू लगा हो, चाहे अप टू लगा हो, चाहे एट लगा हो, चाहे वैल्यू लगा हो, चाहे इसमें से कुछ भी हो या परसेंटेज के आगे, तो बेटा याद करो यहां पर बिल्डिंग एट ₹12,000 हो गया, तो पहले बिल्डिंग था 10,000 और अब बिल्डिंग हो गया डेट मीन 12,000, तो बैलेंस शीट से कंपेयर करो ना कि पहले था 10,000 और अब हो गया 12,000, कंपेयर करेंगे, ठीक है, ट्रिक से याद रखना, तो पहले था 10,000 और अब हो गया कितना 12,000, तो कितना का इंक्रीज कर गया, 2,000 का इंक्रीज कर गया, तो इसका मतलब 2,000 एसेट इंक्रीज कर रहा है, और आपको अभी हमने बताया कि जब एसेट इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट्स होगा, तो जब आप क्या है रिवोल्यूशन अकाउंट्स बनाओगे तो इसको क्या करेंगे, किस साइड में लिखेंगे बताओ, तो बाय बिल्डिंग करके डेट मीन 2,000 लिख देंगे उसका डिफरेंस वैल्यू, क्लियर हो गया, मतलब आपको ये ट्रिक याद रखना है कि अमाउंट का कि टू अप टू एट रिवैल्यू वैल्यू लगा हो तो कंपेयर करना है, कंपेयर करके आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है, अगर कोई एसेट इंक्रीज कर रहा है प्रॉफिट होगा तो बाई में जाएगा, लॉस होगा तो डेबिट में जाएगा, उसी तरह से लाइबिलिटीज की बात हो रही है, अगर लाइबिलिटीज के आगे भी कोई भी एसेट लाइबिलिटीज किसी के भी आगे ऐसा लगा हो तो कंपेयर करके आपको प्रॉफिट और लॉस निकालना है और फिर रिवोल्यूशन अकाउंट में पुट करना है, ठीक है, समझ में आ गया ट्रिक को। फिर बेटा एक, अब जैसे कभी कभी ऐसा होता है ये डेट मीन्स टू का वन, और ये कभी कभी ऐसा होता है बेटा अगर अमाउंट हो या परसेंटेज के आगे अगर बाई लग जाए, अगर अमाउंट या परसेंटेज के आगे बाई लग जाए बेटा तो याद रखना नो कंपेयर, नो कंपेयर विथ बैलेंस शीट, आपको बैलेंस शीट से कोई कंपेयर नहीं करना है, डायरेक्ट उसी अमाउंट को लिख देना है, ठीक है, वही अमाउंट को डायरेक्ट लिख देना है। जैसे इस पे भी एग्जांपल देखिए, सपोज कर लीजिए यहां पर एक बैलेंस शीट हमने ले लिया, ये सपोज कर लीजिए मशीनरी है, ठीक है, मशीनरी 12,000 हमने ले लिया, और यहां पर एडजस्टमेंट में आपका लिख देता है कि मशीनरी इंक्रीज बाय 4,000, है ना, चलो मशीनरी इंक्रीज बाय 4,000, तो देखो तो बेटा अमाउंट का आगे क्या लगा है, बाय, ये बाय है, इसको बाय लगा हुआ है, तो हमने क्या बोला कि इंक्रीज बाय, इंक्रीज 4,000 से इंक्रीज कर गया, तो यहां पर जब इंक्रीज हो गया 4,000 से, ठीक है, तो यहां पर इंक्रीज हुआ कितना थाउजेंड से बेटा 4,000 से, हमने क्या बोला तो बाई लगा है, तो कंपेयर करने का जरूरत नहीं है बैलेंस शीट से, डायरेक्ट उसी अमाउंट को हम लोग लिखेंगे, नो कंपेयर विथ बैलेंस शीट, कोई कंपेयर, इसी 4,000 को जब हम लोग रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे तो इंक्रीज हो गया, एसेट है, मशीनरी एसेट है तो इंक्रीज हो गया, तो यहां पर बाई मशीनरी करके डेट मीन 4,000 उसी अमाउंट को लिख देंगे, तो दोनों टू और बाई में फंक्शन समझ में आए, अब टू में कि टू में रहेगा तो कंपेयर करना है बैलेंस शीट से डायरेक्ट, ठीक है, अगर परसेंटेज भी रहेगा तो परसेंटेज भी निकाल के कंपेयर करेंगे अगर टू रहेगा तो, समझे कि नहीं बात को, जैसे इसमें एक परसेंटेज वाला देख लेते हैं, एक परसेंटेज वाला हम लोग देख लेते हैं कि अगर बाई लगा रहेगा, यहां पर लिख देते हैं बेटा
अगर बाई लगा हो रुपीज या परसेंटेज के आगे तो यहां पर नो कंपेयर, नो कंपेयर विथ बैलेंस शीट्स। चलिए एक परसेंटेज वाला देख लेते हैं। जैसे सपोज कर लो बेटा बिल्डिंग रुपीज 10,000 है, ठीक है, और यहां पर एडजस्टमेंट में सपोज कर लो कि यहां पर बोल देगा बिल्डिंग रीवैल्यूड एट 80%, सॉरी 80%, 280% है ना। तो अब देखो बेटा परसेंटेज के आगे भी टू लगा है, तो हम क्या बोले परसेंटेज हो चाहे अमाउंट हो आगे टू लगा है तो कंपेयर करना होगा बैलेंस शीट से। तो पहले बेटा 80% निकालो, तो 10,000 का 80/100 निकाल लेंगे तो 8,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 8,000 आया ना, आप कंपेयर करो, पहले 10,000 तो हो गया कितना 8,000, तो घटा या बढ़ गया, इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ कितना का बेटा 2,000 का। मतलब यहां पर पहले 10,000 था और 8,000 हो गया, 80% निकाल के फिर कंपेयर करेंगे, तो ये 2,000 का डेट मीन्स डिक्रीज हुआ, तो लॉस ना हुआ बेटा, तो लॉस होगा तो यहां पर क्या जाएगा टू बिल्डिंग करके 2,000 रुपया हम लोग डाल देंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो इस तरह से हमको कंपेयर करना है जब टू और बाई लगा रहेगा, और बाई लगा रहेगा तो कंपेयर करना ही नहीं है, टू में कंपेयर करना है। क्लियर समझ में आया बेटा, दो ट्रिक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। देखिए आपके बोर्ड पे भी हमने क्वेश्चंस लिखा है, और इसके बाद अगर कुछ भी डाउट होता है तो आप कॉमेंट करके बतलाना, मैं फिर उस पर डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन हमने लिया है, फिर अपने बुक्स से भी जैसे मैं बतलाऊंगा आप अपने बुक्स में जाओगे और अपने क्वेश्चंस को केवल रिवोल्यूशन अकाउंट्स बनाओगे। फिर नेक्स्ट अगर आपका कोई कमेंट नहीं आता है तो मुझे समझ में आ जाएगा कि डेट मीन्स आपको समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट तीनों एक साथ कैसे बनते हैं वो चीज देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें क्वेश्चन बेटा हमने लिया है, यहां पर ए एंड बी वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 दिसंबर 2016, ऐसे दे दिया, एक लायबिलिटी और दूसरा एसेट आपको दे दिया है, ठीक है। अब देखिए ऑन 1 जनवरी 2017 में दे एग्रीड टू एडमिट सी, 1 जनवरी 2017 को डिसाइड किया कि हम लोग सी को एडमिट कर लेंगे इन टू द पार्टनरशिप में, है ना, ऑन द फॉलोइंग टर्म। ये टर्म क्या है देख ले, टर्म पहला टर्म है सी के लिए, सी विल ब्रिंग 80,000 एज अ कैपिटल एंड 20,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। मैंने यहां पर एक टर्म बताया है कि भैया सी एडमिट कर रहा है ना, तो उसको 80,000 रुपया लेकर आना है कैपिटल और 20,000 रुपया लेकर आना है गुडविल, कैश में लेकर आना है, ठीक है। एंड द सेकेंड में बोला बेटा द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज टू 68,000। देखो यहां पर देखो तो बेटा अमाउंट के आगे टू लगाया, देखो अभी आपने बतलाया था ना अमाउंट के आगे टू लग गया, लग गया कि नहीं, तो अमाउंट के आगे टू लगा है तो कंपेयर करेंगे, इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ देखो कैसे निकालेंगे, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज टू, तो यहां कंपेयर करो, फर्नीचर पहले कितना था बेटा 50,000 है ना, और अब हो गया 68,000, बताओ क्या हुआ, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, लिख भी दिया इंक्रीज, तो ऐसे कंपेयर कर लोगे नहीं लिखोगे तो, ठीक है। कंपेयर करेंगे कितना से इंक्रीज हुआ, 18,000 से इंक्रीज हुआ, हुआ कि नहीं 18,000। तो यहां पर जो स्टॉक सॉरी फर्नीचर है, फर्नीचर इंक्रीज टू डेट मीन 68,000, तो ये इंक्रीज हो चुका है, और फर्नीचर हमें पता है एसेट है, किसी को ये भी नहीं पता चलता है कि एसेट का है। अरे बेटा एसेट साइड में जो भी रहेगा वो एसेट्स है, लायबिलिटी साइड में जो रहेगा वो लायबिलिटीज है, क्लियर हो गया। तो यहां पर बोल रहा है कि फर्नीचर इंक्रीज टू 68,000, तो पहले 50 था और 68 हो गया, 18,000 इंक्रीज कर गया, तो ये रिवोल्यूशन अकाउंट्स के लिए डेट मींस क्या हो गया, या फर्म के लिए क्या हो गया, प्रॉफिट्स हो गया, तो इसको बाई में ले जाएंगे। एसेट इंक्रीज करेगा तो बाई में जाएगा, एसेट डिक्रीज करेगा तो टू में जाएगा, यह याद रखना। और लायबिलिटी ठीक इसका अपोजिट है, लायबिलिटी अगर इंक्रीज करेगा तो लॉस होता है तो टू में डालेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट्स के, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज करेगा तो इसको बाई में डालेंगे। और अनरिकॉर्डेड एसेट ऑलवेज बाई में जाता है, मतलब क्रेडिट साइड में जाता है, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज ऑलवेज डेबिट साइड में जाता है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज टू, समझ में आ गया टू है, कंपेयर कर लिए। फिर देखिए द वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी डिक्रीज बाई, देखिए यहां लगा बाई लगा है, बाई डिक्रीज बाई, तो अमाउंट के आगे अभी बाई लगा है, तो अभी हमने बतलाया था कि अमाउंट के आगे बाई लगेगा तो कोई कंपेयर नहीं करना है, उसी अमाउंट को डायरेक्टली पुट कर देना है रिवोल्यूशन अकाउंट्स में, ठीक है। तो यहां डिक्रीज हुआ है, और स्टॉक एसेट्स है, तो एसेट जब घटता है तो लॉस होगा, तो रिवोल्यूशन अकाउंट में टू में चल जाएगा, ठीक है। फिर देखिए मशीनरी इज टू बी एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएट मैंने इंक्रीज कर जाना,
डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज, डेप्रिसिएटेड मैंने डिक्रीज होता है और एप्रिसिएटेड मैंने बढ़ जाना। तो यहां पर बेटा देखो तो मशीनरी इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%, यहां पर जो मशीनरी है वो 10% से क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो हमने क्या बोला था कि अमाउंट के या परसेंटेज के आगे बाई लगेगा तो कोई कंपेयर नहीं करना है। तो पहले 10% आप निकाल के कोई कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। तो आप मशीनरी का 10% निकालो, 1,35,000 का 10% 13,500 आएगा, और उसी अमाउंट को डायरेक्टली पुट करेंगे रेवोल्यूशन अकाउंट्स में, ठीक है, कोई कंपेयर करने का जरूरत नहीं है। अगर यहां 2 रहता तो फिर कंपेयर करते, जैसे अभी हमने बताया था एक बिल्डिंग वाला 80,000 वाला, ठीक है। अब देखिए देयर इज अ लाइबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। कभी कभी आपके ट्रांजेक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हैं, आपको भी कोई ट्रांजेक्शन में अगर प्रॉब्लम होता है तो जरूर बतलाना, मैं जरूर आपको हेल्प करूंगा, ठीक है। तो देयर इज अ लाइबिलिटी ऑफ ₹5,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स। देखिए क्या बोल रहा है, एक लाइबिलिटी था जो क्रेडिटर में इंक्लूडेड था, है ना, दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज। अब वो नॉट लाइकली आ रहा है, अब वो मांगा नहीं जा रहा है, अराइज नहीं हो रहा है, मतलब वो हमसे मांगा नहीं जा रहा है। तो बेटा ये जो क्रेडिटर है ना 40,000, उसमें से वो इंक्लूड था 5,000 का कोई सामान था, क्रेडिटर बहुत सारे होंगे ना, यहाँ एस लगा है, मैंने बहुत सारे क्रेडिटर्स है, है ना, राम से लिए हमने उधार तो वो भी क्रेडिटर्स बन गया, शाम से लिए तो वो भी क्रेडिटर्स बन गया, बहुत सारे क्रेडिटर्स है। तो उसमें से एक बंदा था 5,000 वाला जो बोल रहा है नॉट लाइकली टू अराइज, अब उससे पैसा हमको डैट मीन्स लेने वाला नहीं है, वो पैसा अब मेरे को छोड़ दे रहा है। तो अब बताओ बेटा हमने क्या बोला था, ये तो क्रेडिटर्स है और क्रेडिटर में हमको छूट मिल रहा है, अब वो जिससे हम पैसा लिए थे या जिसको हमको पैसा देना है वो बंदा अब हमसे पैसा ले ही नहीं रहा है, नॉट लाइकली टू अराइज, अब वो उठने वाला नहीं है, अब वो मांगने वाला नहीं है। तो मेरे लिए क्या हो गया, जिसको मुझे देना था मुझे नहीं देना है, तो मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट्स हो गया। तो यहां 5,000 का मेरा क्रेडिटर जो है प्रॉफिट्स हो गया। तो जब रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाएंगे तो इसको क्रेडिट साइड में बाई लगा के दिखा देंगे, ठीक है। तो देखो कैसे बनता है, तो बेटा हम लोग एक क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए बेटा तो यहां पर रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाएंगे और रेवोल्यूशन अकाउंट में कोई डेट मेंशन नहीं होता है, याद रखना फॉर द ईयर एंडिंग ऐसा कुछ नहीं होगा, कभी भी बनता है, पार्टनर्स पर डिसाइड होता है कि कब हम लोग रिवेन्यू करेंगे, कब क्या करेंगे, कभी भी बन सकता है, ठीक है। पर्टिकुलर रुपीस, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो बेटा सुनो, अब हम रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाने जा रहे हैं तो इसमें भी थोड़ा सा कुछ कुछ याद रखना। पहला पॉइंट तो बेटा आपको याद रखना होगा, क्या याद रखना होगा बेटा, पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा कि रेवोल्यूशन अकाउंट जो होता है, जैसा हमने बताया था कि एडजस्टमेंट में जो एसेट और लाइबिलिटीज होते हैं उसी के बेस पे बनता है रेवोल्यूशन अकाउंट। अगर आपका एडजस्टमेंट में एसेट और लाइबिलिटीज नहीं दिया है, केवल बैलेंस शीट्स में दिया है, तो रेवोल्यूशन अकाउंट्स नहीं बनाएंगे, ठीक है। एंड द सेकेंड पॉइंट आपको बेटा याद रखना है, फिर से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमने अभी बोला नहीं है, अभी बोलने जा रहे हैं, ठीक है, कि कभी भी रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाओगे तो बेटा गुडविल और कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर्स का छूना नहीं है, टच नहीं करना है, मतलब गुडविल और कैपिटल को तो छूना नहीं है, चाहे किसी का भी हो, ठीक है, चाहे न्यू पार्टनर्स का हो चाहे ओल्ड पार्टनर्स का हो, गुडविल और कैपिटल इसमें रेवोल्यूशन अकाउंट्स में नहीं जाता है। यहां पर न्यू पार्टनर्स दैट मीन्स कैपिटल 80,000 और गुडविल 20,000 है, तो बेटा इसका काम हम लोग रेवोल्यूशन अकाउंट्स में नहीं करेंगे, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। कभी भी आप रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाओगे तो गुडविल और कैपिटल को इसमें दिखाना नहीं है, सो नहीं करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो पॉइंट याद रखना है, ठीक है। पहला पॉइंट हमने क्या बोला बेटा कि एडजस्टमेंट का एसेट और लाइबिलिटीज से ही रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनता है, बैलेंस शीट से नहीं। अगर एडजस्टमेंट में एसेट और लाइबिलिटीज नहीं दिया है तो रेवोल्यूशन अकाउंट्स नहीं बनेगा। एंड द सेकंड पॉइंट हमने जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने बच्चे डाल देते हैं गुडविल और कैपिटल, तो याद रख लो कि कभी भी रेवोल्यूशन अकाउंट्स बनाएंगे तो गुडविल और कैपिटल को तो टच ही नहीं करना, ये सोचना कि 440 का वोल्ट लगने वाला है, ठीक है, ये सोच लेना बेटा कि 440 का वोल्ट लगेगा। अगर 440 का मतलब सीधे गलत है ना, तो कभी भी गुडविल और कैपिटल को इसमें शो नहीं करना रेवोल्यूशन अकाउंट्स में, ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखना है। फिर हमने जो बताया था वो ट्रिक को याद रखना है कि एसेट अगर इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट्स होगा, एसेट अगर डिक्रीज करेगा तो लॉस होगा, प्रॉफिट्स को क्रेडिट साइड में, लॉस को डेबिट साइड में, ठीक है। उसी तरह से लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज करेगा तो लॉस होगा तो डेबिट में, लाइबिलिटी डिक्रीज करेगा
तो डेट मीन्स प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड में डालेंगे, अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटीज का भी ट्रीटमेंट उसी तरह से होगा। ठीक है, तो चलो बेटा अब हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। गुडविल और कैपिटल को तो टच नहीं करना है, टू और बाई का खेला है इसमें, तो चलिए इसको टच नहीं करना। अब यहां से बात करते हैं वैल्यू ऑफ फर्नीचर इंक्रीज टू, तो हमने बोला था कि अमाउंट के आगे टू लगा हो रहेगा तो कंपेयर करो। तो पहले था फर्नीचर आपका कितना था 50,000 और अब हो गया 68,000, तो बेटा इंक्रीज कर गया, तो इंक्रीज कर गया एसेट तो प्रॉफिट हो गया, तो इसको बाई में लिखेंगे बाई फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, बाय फर्नीचर अकाउंट कितना है बेटा, कितना इंक्रीज किया कंपेयर करो 18,000। ठीक है, फिर उसी तरह से बेटा वैल्यू ऑफ स्टॉक वुड बी डिक्रीज बाय, देखो हमने क्या बोला था डिक्रीज, स्टॉक डिक्रीज हो गया तो एक तरह से मेरे लिए क्या हो गया लॉस हो गया, स्टॉक एसेट बढ़ रहा है, सॉरी एसेट घट रहा है तो लॉस हुआ ना। टू स्टॉक कितना स्टॉक है बेटा 4,000। ठीक है, फिर मशीनरी, मशीनरी इज टू बी एप्रिसिएटेड, एप्रिसिएटेड मैंने बढ़ जाना तो एप्रिसिएटेड बाय 10%, तो मशीनरी कितना है बेटा यहां पर 1,35,000, तो 1,35,000 का 10% निकालोगे तो आपका निकल जाएगा 13,500, यही निकलेगा ना। हाँ, तो ये क्या हो रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो इसको बाय में डालेंगे, बाय क्या है बाय मशीनरी, मशीनरी अकाउंट कितना 13,500। ठीक है, फिर बेटा यहां पर देर इज अ लाइबिलिटी ऑफ रुपीज 5,000 इंक्लूडिंग क्रेडिट दैट इज नॉट लाइकली टू अराइज, अब ये मांगने वाला नहीं है, अब ये मेरे लिए प्रॉफिट्स हो गया, तो इसको भी बेटा हम लोग डालेंगे दैट मींस क्रेडिट साइड में। लाइबिलिटी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, अब मुझे मांगने वाला नहीं है तो क्रेडिट प्रॉफिट्स हो गया, तो बाय यहां पर क्रेडिटर्स भी कर देंगे अकाउंट कितना 5,000 जितना था। ठीक है, तो बेटा हो गया, बन गया, कितना ईजी है, देखो कंसेप्ट को याद रखना बन जाएगा। अब बेटा क्या करेंगे, देखेंगे डेबिट और क्रेडिट में कौन अधिक लग रहा है, देख लेना है, तो जाहिर सी बात है क्रेडिट हमको लग रहा है अधिक लग रहा है, तो क्रेडिट देख लेते हैं कितना है 18 और 13 31,500 है ना, 31, 35, 36, 36,500, तो यहां भी डेट मीन 36,500। अब ये देखिए, अब हमने क्या बतलाया था, कल भी बतलाया आज भी बता रहे हैं, अगर क्रेडिट ज्यादा हो गया किससे ज्यादा हो गया बेटा डेबिट, ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा, तो यहां पर लिख देंगे टू प्रॉफिट, यहां पर लिख देंगे बेटा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, यहां करंट इसलिए नहीं किया कि यहां पर फिक्स कैपिटल नहीं है, अगर कैपिटल फिक्स होगा तो पार्टनर्स करंट अकाउंट करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, तो अब इसको याद रखना, जो भी प्रॉफिट आएगा, हमने कल भी बताया था आज भी बता रहे हैं कि रेवोल्यूशन अकाउंट्स का जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी लॉस आएगा एडमिशन के केस में, यह हर केस में मत समझना, एडमिशन के केस में, कि एडमिशन के केस में रेवोल्यूशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो ओल्ड रेशियो में बटेगा, याद रखना ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जिसे आप लोग कहते हो, तो ओल्ड रेशियो में बटेगा, और किसको बटेगा ओल्ड पार्टनर्स को ही बटेगा, न्यू पार्टनर्स में कोई शेयर नहीं है। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर्स कौन है, ए और बी बांटेगा, और किस रेशियो में बांटेगा बेटा 3:2 में बांटेगा, तो देखते हैं कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो 36,500 में से माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे 4,000, तो यहां 4,000 माइनस कर देंगे तो 32,500, तो इसी को हम लोग को बांट देना है ए और बी में, 32,500 और किस रेशियो में बांटेंगे बेटा 3:2 में, तो 3 और 2 5, 3/5 और 2/5, 3/5, 5 से काट दो तो कितना से कटेगा 7 से जाएगा नहीं, 6 × 5 = 30 और 50 × 25 6,500, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 19,500, और यहां पर 2/5 होगा तो यहां पर 6,500, इसको मल्टीप्लाई 6 × 12 = 13 13,000 केवल होगा। ठीक है, तो इस तरह से बेटा हमारा रेवोल्यूशन अकाउंट्स बन गया। ठीक है, तो आप लोग बनाओगे अपने बुक्स से, और कोई भी डाउट होता है बेटा तो जरूर हमें कमेंट करके बताओगे, क्वेश्चंस भेजोगे, तो जाहिर सी बात है आप क्या है मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलो चलो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे रेवोल्यूशन अकाउंट्स को रेवोल्यूशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और कैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर किसी ने कमेंट किया तो फिर एक रेवोल्यूशन अकाउंट एक बार और बना देंगे, एक लेक्चर और दे देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।